डीके झा जी, कुछ देर तक तो प्रशासन के लोग, सरकारें ये समझ नहीं पा रही थी। हमको सरकार का एक अधिकारी बताया दिल्ली के जंतर मंतर पे कि पहले आप लोगों की ये रिसर्च की जा रही थी कि कहीं कोई आपके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी का फंडिंग तो नहीं है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे कर डालते हैं। लेकिन जब सारी जांच उन्होंने कर लिया तो पाया कि कोई इनके पीछे फंडिंग नहीं है, ये लोग अपने निजी स्रोतों से ही कर रहे हैं और थोड़े थोड़े पैसे मांग करके लोगों से इस आंदोलन को यहां तक ले आ पाए। तो जब सरकारें नहीं समझ पा रही है तो प्रबंधन तंत्र के लोग और तमाम चाटुकार क्या समझ पाएंगे कि हम दिल्ली में डेढ़ महीने कार्यक्रम कैसे कर ले गए इतने बड़े पैमाने पे, और लगातार 4 सालों तक हम लोगों ने आंदोलन कैसे किया। तमाम परिस्थितियों को हम लोगों ने सड़क पे देखा है। हम लोग तो ये है कि जब डीके झा साहब को भूख लगती थी तो कहते थे कि डीके साहब, झा साहब एक दिन खाना नहीं खाना है, रोज खा लीजिएगा। बोले हाँ ठीक है, आज नहीं खाएंगे, आज तो पानी से पी लेंगे। कर पाएंगे आप ऐसा? नहीं कर पाएंगे। तमाम लोगों को हमने, चाहे वो डीके झा जी हो, तमाम वो सतीश चतुर्वेदी हो, चाहे शहनाज जी हो, और चाहे उर्मिला गुप्ता जी भी हो, वो घर नहीं जाती थी, सुबह मॉर्निंग 8 बजे चली जाती थी और रात को 10-11 बजे जाती थी। बालाजी सरकार यानी हनुमान जी महाराज का दरबार में हम प्रसाद ले सकते थे, वो भी रात 12 के 1 बजे के करीब में मिलता था, पता नहीं तब तक हम लोग घूमने निकलने के जाते थे। ऐसी परिस्थितियां, तो आंदोलन तो हम लोग जी आंदोलन को हम लोगों ने शिद्दत से जिया है, लड़ा है, तब परिणाम के पास आके खड़े हुए हैं। इतनी रोकने के बावजूद भी हम परिणाम के बेहद करीब हैं, बेहद करीब। और ये 15 दिन अगर हम लोगों ने घर पे बैठ करके सो करके काट लिया और निकले नहीं, तो निश्चित तौर पे परिणाम हमारा डूब जाएगा और हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हम सभी साथियों से पुनः निवेदन करेंगे कि 26 का आंदोलन है, तमाम साथी और जुड़े हुए हैं, मैं सीधे डीके झा साहब से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, काफी दिन तक हम लोगों के साथ थे और इस आंदोलन में जो 26 तारीख को जिलेवार मीटिंग और बड़े पैमाने पे, चूंकि बहुत सारी चीजें हम पर्दे पे नहीं कह सकते और बहुत सारी घोषणाएं पर्दे पे हो भी नहीं सकती, संवैधानिक बाध्यताएं हैं, लेकिन आप समझिए कि आंदोलन को 26 तारीख को 30 तारीख के कई गुना ज्यादा परिणाम के साथ बदलना होगा, खड़े होना होगा उस तरीके से कि बिना न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये भय दिखाना होगा तब समुद्र रास्ता देगा, और समुद्र है सरकार, रास्ता तो देना पड़ेगा। तो आपको 26 का कार्यक्रम पे तैयारियों के साथ मैं डीके झा साहब को मधुबनी से हैं मैं आमंत्रित करूंगा, जिला अध्यक्ष हैं, काफी देर तक हम लोगों के बीच में आंदोलन को दिल्ली में ताकत के साथ लड़े हैं और फिर यहां से जाके अपने जिले पे भी उसी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। डीके झा साहब, आप अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, आवाज जा रही है? आ रही, आ रही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त योद्धा साथीगण, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में हमारी आवाज को सुनने वाले सभी साथी को दिल से अभिनंदन। सर ने जितनी बात बताए हैं ये बिल्कुल सत्य बताए हैं, जो कि ये 15 दिन 20 दिन की जो दौरे में हम दिल्ली में लड़े हैं, तो जब दिन में भूख लगता था सब लटुआ के गिर जाते थे, तो हम एक दिन फास्टिंग की बात करके सब में उत्साह भरने का काम किया। कभी रात में आते थे कोई होटल खुला नहीं मिलता था, एक बिस्किट खा करके हमने जीने का काम किया है, लेकिन आज मुझे कोई कमी नहीं महसूस होता है, इसलिए कि हमने अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच चुके हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, अगर हम आगे बढ़ते हैं वीर तुम बढ़े चलो। मैं, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, मैं सभी पूरे हमारे संगठन के चाहे प्रबंधक लोग हो, जिस पद पे हो, जिला कमेटी हो, ब्रांच कमेटी हो, राष्ट्र कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, मैं अपनी बातों से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं कि ये 15 दिन का जो समय है,
एक प्रबंधक का पद जो भी हम लिए हैं, पद लेना कोई बड़ी बात नहीं, पद का निर्वहन करना बहुत बड़ी बात होती है। हमें पद मिल गया है, हमें कोई पद नहीं चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय को अभी के अभी कहता हूं कि मुझे सामान्य पद दीजिए, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं काम वही करूंगा जो जो आप कह रहे हैं, मैं वही करूंगा। क्योंकि मैं दूसरों के लिए नहीं, हम कहते हैं 13 करोड़, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने लिए लड़ रहा है, और हम अपनों में सबका भाईहित छुपा हुआ है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, जैसा कि मैंने रात भर सोया नहीं है, और मैं अपने महासचिव जो मेरा एक क्या कहें उनको, क्या कहा जाए, एक शरीर का दो टुकड़ा है, उनसे हमारी बातें हुई है। 1104 गांव है मेरे जिला के अंदर में। मैंने एक योजना बनाया, अपने महासचिव को मैं कहा कि एक भी 1104 गांव में ऐसा गांव न रह जाए कि ये कहे कि मुझे पता नहीं था। जैसे कि हमारे उर्मिला दीदी ने अभी कही है कि कल 10 महिला मिली तो कही कि हम लोग को पते नहीं है, वास्तविकता मुझे ऐसा ही मिला है। इस बातों से मैंने एक एक गांव में जाने का कल से मेरा डोर टू डोर मार्चिंग होना शुरू हुआ है। एक एक मुखिया, एक एक वार्ड सदस्य हमारी बातें होगी और हम एक एक जगह अलग जगाने का काम करेंगे कल से। मैं ज्यादा शब्द न कहना चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये बात एक एक जमाकर्ता तक संदेश छोड़े और अर्जुन बनने का काम करें, अर्जुन बन के काम करें। माछ नहीं, आंख नहीं, हमें सिर्फ पुतली दिखाई देता है। हमें भारत सरकार को झुका के ले अपना भुगतान 26 तारीख को सुनिश्चित करवा लेना है, और उसका एक ही उद्देश्य, एक ही बात होगा, यदि हम जन सलाब को उतार के रोड पे खड़ा कर दिए, चाहे जहां भी है, दिल्ली हम नहीं जा सकते हैं, पटना नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम अपने जिला में, अपने कस्बे में हम कहीं ना कहीं जन सलाब को रोड पे घर से बाहर निकाल सकते हैं, इतना बात तो होना चाहिए। ज्यादा शब्द क्या कहे, हमारे सर ने बताए हैं राम भगवान की वाणी से कि अब जो है बिने वो किए थे, लेकिन बिना भय से प्रीत नहीं होगा। तो ये अर्जुन या राम वो अभय देव शुक्ला जी हैं, एक मिनट के लिए डीके झाकू जी मान लीजिए, लेकिन बाण आप लोग हैं, आप एक एक जमा करता हमारा बाण है, इस समय मुझे साथ दें, ये आंदोलन को साथ दें। अगर नहीं देंगे तो समझ लें कि 26 तारीख अंतिम दिन है, 5 साल के लिए भूल जाइएगा अपना भुगतान। हम जीत को पैसा तो लेंगे ही लेंगे, चाहे हम आसानी से ले ले या घुमा के ले, हमारा पैसा, हमारे क्रांतिकारी को लड़ने वाले का एक एक आदमी का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा डिवाइड नहीं करना चाहता हूं, मैं देश की एक एक जमाकर्ता तक लड़ने के लिए मैंने कसम लिया है, संकल्प लिया है, मैं लड़ते रहूंगा। सिर्फ आप लोग का सहयोग की जरूरत है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।